सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इच्छावर, आष्टा, बुदनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। श्यामपुरा की आदिवासी महिला के साथ हुई मारपीट मामले में भले ही सिद्दीकगंज थाने में पदस्थ दो कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है। महिला के साथ दोनों कांस्टेबल के साथ एक युवक ने मारपीट की थी। महिला का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन दोनों कांस्टेबल के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसकी उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। श्यामपुर की मनीषा बाई 12 अगस्त की रात परिवार के साथ बैठकर बात कर रही थी। सिद्दीकगंज थाने में पदस्थ पुलिस जवान कांस्टेबल अर्जुन सिंह और शुभम पाल ने आकर मारपीट की थी। उनके साथ जितेंद्र नाम का व्यक्ति भी था। मनीषा से मारपीट के बाद पुलिस जवान और जितेंद्र मौके से भाग गए थे। मारपीट से घायल हुई मनीषा को इलाज के लिए परिजन आष्टा सिविल अस्पताल लेकर आए थे। जब परिजन सिद्दीकगंज थाना पहुंचे तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। परिजनों ने 14 अगस्त को SP मयंक अवस्थी को आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। SP ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल शुभम अर्जुन को सस्पेंड कर दिया था। दर्ज कराएंगी शिकायत। महिला ने जब आरोप लगाया कि दोनों कांस्टेबल और जितेंद्र के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का कहा था, लेकिन पुलिस ने कांस्टेबल का बचाव कर उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया, जबकि जितेंद्र पर ही मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि भले ही कांस्टेबल शुभम अर्जुन सस्पेंड हुए हों, पर उन्होंने जिस तरह की करतूत की है इसके लिए उन पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। टीम भारती न्यूज। अच्छा मनीषा जी, आपके साथ मारपीट हुई है, हाँ, क्या है पूरा मामला? ये वो राखी बांधे आए थे भाई के पास, अर्जुन ये रोड पे खड़े थे, हाथ पकड़ के मैं कमल को आवाज दिया, कमल ने बाहर निकला और वो अर्जुन है ना शुभम आवाज आई और मेरा हाथ दबा लिया, गला भी दबा लिया, पकड़ घिस रहे थे और जिसके बाद मार दी डंडा के सिर में मार दिया। सिर में डंडा मार दिया। हाँ। अच्छा क्या वो आए थे यहाँ पे तो कुछ सामान बरामद हुआ उनका? हाँ था ना। क्या क्या था? बैटरी थी और पाइप, वो था उनका डंडा पाइप वाला। अच्छा। हाँ उनका वो गला क्या पकड़ा था ना, उनका चिंदा भी हाथ में आया था, वो भी पड़ा था, मैं पड़ी थी वहाँ पे। अच्छा वो भी था। हाँ। SP साहब को जो आपने 14 तारीख को आवेदन दिया, उसमें अर्जुन का और शुभम का दो सिपाहियों का नाम है, और अभी जो FIR आपने की है उसमें अर्जुन का नाम क्या आपने लिखवाया था? उसमें लिखवाया था ना। तो पुलिस वाले ने लिखा उसमें? अब पता है क्या लिखा कि नहीं लिखा, बोले थे अर्जुन शुभम का नाम था लिखवाने के बोले थे। अच्छा आपके द्वारा FIR हुई? हाँ सर। आपसे पुलिस वाले ने थाने में पूछा था कि उनका, आपने बोला था कि उनका नाम भी लिखो? हाँ बोला था ना। क्या बोले वो फिर? वो हाँ लिखेंगे बोले थे अर्जुन शुभम का नाम भी, ऐसा बोला। आगे क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई करना चाहते हैं मैं शुभम अर्जुन का, आपको न्याय मिले। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा भाई। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं वहाँ, अभी तो न्याज है, आठ महीना हो गया हमारा है। अच्छा अच्छा। न्याज है हम तो अभी। अच्छा जिनके साथ ये घटना हुई क्या लगते हैं आपके? बेन। अच्छा बेन, आप थे उस टाइम ही? छोटी बेन है मेरी। अच्छा आप थे यहाँ? हाँ था। अच्छा क्या घटना थी की? उस दिन हम राखी को त्योहार था हमारा, तो हम तीन बहन राखी मना रहा था, भाई के राखी बांधता था और जितेन भी यहाँ थो जमाई थो, ते हम जमाई तो हम यहाँ हमारे यहाँ कहीं लेने आया, यूँ कहीं लेने हम कि दाँव के कहीं लेने भगावा, ते उके भी हम बैठाया, सब हम बैठा था नाचा था, ते उन्हें पुलिस के बुलाए लियो, पुलिस के बुलाए लियो अन फिर पुलिस गाड़ी वहाँ आगे ले जाए टेक की दिया मोटरसाइकिल सादा डिरीस में आया, तो फिर वही पछा गया घर में, बुआ बायर चल बायर चल, बेन मनीषा के हाथ पकड़ी बायर ले आया, हम समझा के पापा घर ले जाई रहे, तो पुलिस यहाँ छिपिया तो उनका हाथ में कर दियो मनीषा बेन के, अने वो एकदम भागी गयो, पुलिस यहाँ रह गया, तो फिर पापा यहाँ सोता तो पापा यहाँ से नींद में उठी गया, फिर छोरा छोरी भाई के चिल्लाया कमल के, कमल फिर बिचली बहन राखी बांधता थी वहाँ से उठी, फिर वो भी दौड़ी ना आयो, तो एक के तो कमल भाई ने पकड़ी लिया, एक पापा ने वहाँ पापा के मारता तो एक पुलिस, तो फिर
ओके हम पकड़ी लिया न, वो भागने गयो ते ओकी बाँह टूटी गई टी शर्ट की, ते ओकी टी शर्ट को बाँह हमारा हाथ में रह गयो। अच्छा, और क्या क्या मिला? बैटरी, पाइप को डंडो और वो हाथ को बाँह। अच्छा, अभी रोड पे पड़ा था सिद्धिगंज थाने में, जो आप रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो वहाँ पे क्या दोनों पुलिसकर्मी का नाम बताया था आपने? हाँ बताया था। तो पुलिस कर्मी ने उनका नाम लिखा एफआईआर में? हाँ उन्हें की दिया गया, हाँ लिखी रहा हम। अच्छा, ये बोल दिया? हाँ बोल दिया, तो हमने समझा था लिखी लिया है। लिखा उन्हें? वही की दिया गया, हाँ लिखी लिया। क्या नाम है आपका? दिलीप सोलंकी, उप सरपंच गाँव का। अच्छा, कौन सा गाँव है? श्यामपुरा। अच्छा सरपंच साहब जी, जैसा देखा जाए कि आपके उसमें एक दुखद घटना हुई है, एक महिला के साथ मारपीट की गई दो आरक्षकों के साथ। जी जी, आरक्षकों ने मारा, और जहां देखा जाए 14 तारीख को एसपी साहब को आवेदन दिया गया था। जी जी, उस आवेदन में दर्शाया दो आरक्षकों ने महिला को मारा। जी जी, और अभी मालूम पड़ रहा है कि उन आरक्षकों का नाम एफआईआर में नहीं है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी पीड़ित बहनों को बहन को इंसाफ मिले, और ऐसी घटना हुई है और इतना गंदा काम किया है थाने वालों ने कि इनका नाम नहीं दर्ज कराया, जो आरक्षण का जो दो आरक्षण जो मेन इसमें थे इन्वॉल्व, उनका नाम नहीं लिखा गया। इसलिए मैं बहुत दुख हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ बहन से कि इनको इंसाफ मिले, और मेरी यही गुजारिश है मीडिया के द्वारा कि इनको इंसाफ मिले। अच्छा, जब यहाँ पे एसडीपी साहब आए थे, पूरे पुलिसकर्मी आए थे जी, और एसपी साहब ने उनके वर्जन में कहा है कि दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंड करने के बाद बावत भी उस एफआईआर में दोनों आरक्षकों का नाम क्यों नहीं है? यही मुझे आज एफआईआर देखी तो ही समझ में आया। मौकित में हम लोग क्या समझे कि हाँ कर दिया होगा, लेकिन आज हमें हकीकत आज जो लिखा हुआ था उससे मालूम पड़ा कि आज हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी कि हम अब सिद्धिगंज पूरी तरह से बंद करेंगे, और हमको इंसाफ चाहिए, बस कुछ भी नहीं। Subscribe now to most exciting channel ever.